हेलो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। तो आज हम लोग जा रहे हैं एलिफेंट केव और अभी हम लोग हैं चर्च के स्टेशन पे। तो ये है चर्चगेट स्टेशन और हम लोग यहाँ से टैक्सी पकड़ के गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ गए। बहुत ही सनी वेदर था और यहाँ से हम लोग का टैक्सी का कॉस्ट पड़ा 30 रुपीज़ और अगर आप CST से ट्रैवल करोगे तो आपका कॉस्ट मैक्स टू मैक्स 40 रुपीज़ पड़ेगा। और गेटवे ऑफ इंडिया के सामने से ही आपको एलिफेंटा केव जाने का बोट का लाइन मिलेगा और एलिफेंटा केव जाने के लिए बोट का टिकट प्राइस था 205 रुपये पर पर्सन, जो जाने आने का मिला के टोटल फेयर था। तो एलिफेंटा केव जाने का बोट का लाइन आपको गेटवे ऑफ इंडिया के सामने ही मिल जाएगा और यहाँ पे लाइन पे चलते चलते आपको टिकट काट लेना पड़ेगा। और ये हो गया हम लोग का जर्नी स्टार्ट। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, ये व्यू से हम लोग कभी गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल को एक साथ नहीं देखे थे, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था हम लोगों का। हे गाइस, नाउ हम लोग हैं कहाँ पे? आज हम लोग अभी हैं क्रूज पे, जो एकदम ही अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि हम लोग पहले सोचे थे कि नॉर्मल जो बोट है उस पे हम लोग जाएंगे। हाँ, नॉर्मल जो बोट है उस पे हम लोग जाएंगे, मगर हम लोग का जब लाइन आया तो तब नॉर्मल बोट चला गया और फिर एक लग्जरी वाला क्रूज हम लोग को मिल गया। आप देख सकते हो पूरा एकदम फुल, पूरा एकदम एसी वाला क्रूज है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आराम से जा रहे हैं, अभी तो 1 घंटे का जर्नी है शायद, तो चलते हैं हम लोग एलिफेंटा केव। तो आप तब तक देखिए बाहर का नज़ारा। तो ऐसे ही करते करते कुल मिलाकर 45 मिनट्स के अंदर हम लोग पहुंच गए हम लोगों का डेस्टिनेशन आइलैंड पे। और यहाँ पे आपको फेरी घाट से एकदम सामने ही मिलेगा टॉय ट्रेन का काउंटर, जिसका टिकट का प्राइस है 10 रुपये और 10 मिनट अंतर अंतर यहाँ पे टॉय ट्रेन आते रहता है। जैसे कि हम लोगों को पहले ट्रेन मिल गया था लेकिन ये पीछे टिकट कट रहा था, तो फिर हम लोगों का ट्रेन छूट गया। एक्चुअली हम लोग टिकट नहीं काटे थे, सोचे पैदल जाते हैं, 10-15 मिनट बाद ट्रेन आएगा, फुल हो गया है, मगर हम लोग जैसे ही निकलने गए तभी ट्रेन आ गया और ऋतु ट्रेन के ऊपर उठ गई। तो फिर सीट भी रखा है और मैं भागा कि टिकट खरीदने, मगर मैं टिकट लाते लाते ट्रेन निकल गया, मैं सोचा ऋतु भी गई, मगर आके देखा कि वो निकल के खड़ी हुई थी। तो हम लोग फिर अभी टिकट काट ही लिए हैं, तो अभी ट्रेन का DDLJ का सीन हो जाएगा, अभी मैं ऐसे खड़ी रहूंगी और बोलूंगी राज कम राज कम। और ये मैं भागते भागते आएगा, मैं काजू की तरह आऊंगा। जो भी हो, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि ट्रेन का, क्योंकि टॉय ट्रेन चढ़ने का अलग ही मजा है। अरे ट्रेन आ गया, वो देखो ट्रेन आ रहा है। तो अभी हम लोग है घाड़ापुरी आइलैंड पे और यहाँ से पीछे हम लोग जाएंगे, एलिफेंटा केव। तो अभी हम लोगों का ट्रेन आ रहा है और हम लोग अभी चढ़ने वाले हैं। और हम लोग जस्ट चढ़ गए हैं ट्रेन पे, फर्स्ट टाइम। इससे पहले मैं चलती हुई बस पे उठा हूँ, मगर अभी चलती हुई ट्रेन पे मैं उठा, तो ये अलग ही फीलिंग है। ये देखो पूरा एकदम जैसे लग रहा है 1947 का वो दौर है और सब ट्रेन में जैसे जैसे उठ रहे हैं। तो ये टॉय ट्रेन चढ़ना या ना चढ़ना बिल्कुल आपके ऊपर है, क्योंकि ये ज़्यादा दूर तक तो जाता नहीं है, आपको गुफा तक नहीं लेके जाएगा, ये जस्ट आपको सीढ़ी तक लेके जाएगा और वहाँ से आपको पहाड़ में चढ़ना है। तो ये आप आराम से 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस कवर कर सकते हो, मगर आप घूमने गए हो
आपको टॉय ट्रेन चढ़ना है तो उस हिसाब से आप 10 रुपये खर्चा करके टॉय ट्रेन चढ़ सकते हो, मगर वैसा कुछ नहीं है कि कोई चेकर वेकर है तो आपका टिकट चेक करेगा, तो आप बिना टिकट लिए भी ये टॉय ट्रेन चढ़ सकते हो। इतने मुलायम म्यूजिक के साथ एंट्री करते हैं खारापुरा आइलैंड में, जिसका टैक्स है 5 रुपये। और एंट्री करते ही जो एलिफेंटा पोर्ट रेस्टोरेंट है उसके बगल में आपको टॉयलेट मिल जाएगा, तो आपको अगर वॉशरूम पे जाना है तो आप जा सकते हो क्योंकि अभी बहुत चलना है, मगर कोई टेंशन का बात नहीं है क्योंकि ऊपर जाके जो लास्ट गुहा है वहाँ पे आपको एक वॉशरूम मिल जाएगा। तो अभी हम लोग है ये आइलैंड पे और यहाँ पे हम लोग अभी 2 बजे हैं, तो फिर पहले सोचे कि हम लोग एक लंच कर लेते हैं क्योंकि अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो फिर ऊपर फिर खाना थोड़ा सा शायद महंगा भी हो, तो हम लोग यहाँ से खा के ही जाएंगे ऊपर। और अभी हम लोग हैं एलिफेंटा पोर्ट रेस्टोरेंट पे और ये जस्ट आपका जो स्टेशन है तो टॉय ट्रेन का जो स्टेशन है उसके एकदम बगल में ही है, उससे आप जस्ट एंट्री करेंगे और फिर आपको ये रेस्टोरेंट मिल जाएगा। थोड़ा यूनिक लगा तो मैं बोला कि चलो यहाँ पे ही आते हैं, तो हम लोग ट्रेन से आए तो बहुत अच्छा लगा। ट्रेन का जर्नी तो बहुत लंबा था, मतलब मैं सोचा कि चलो थोड़ा जाना पड़ेगा, मगर आते ही खत्म हो गया। और आते आते एक अच्छा इंसिडेंट हुआ, हाँ इसने भुट्टा खरीदा था, हाँ और खरीदी थी। इसका हिंदी पूरा एकदम बंगाली वाला हिंदी है। तो मैं बोला कि 2 भुट्टा ले ले, हाँ मगर ये एक ही भुट्टा लिए। अच्छा हुआ 2 ले लिया। एक ही खाते हैं, अगर 2 लेता तो अच्छा होता है, एक चला जाता और एक हम लोग खाते। तो फिर हम लोग चले जाते और फिर एक सांड आया, सांडी तो था गाय आया था, एक गाय आया, हाँ गाय आके फिर हम लोग की तरफ आया, व्हाइट वाला गाय था, हम लोग की तरफ आ रहा था। मैं देख रही हूँ कि मेरी तरफ फॉलो करते हुए वो आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो शायद, मतलब मुझे पता चल रहा था कि वो मुझे ही फॉलो कर रहा है, लेकिन ऐसे इंसिडेंट कभी नहीं हुआ। ज्यादातर मंकी लोग ऐसे करते हैं कि मंकी, और मुझे लगा कि हम लोग गाय के रास्ते पे आ रहे हैं जैसा होता है नॉर्मली, तो हम लोग क्या करते हैं साइड दे देते वो चला जाता है, तो मैं ऋतु को ऐसे खींचा मगर गाय का भी डायरेक्शन चेंज हो गया, वो इसके तरफ भी आ गया, फिर ये तो चिल्लाते हुए वो हाथ का भुट्टा था, पहले भुट्टे का पत्ता दे दिया। हाँ। मुझे लगा पत्ता तो खाती है लेकिन, मगर पत्ते से काम नहीं बना, हाँ फिर उसको भुट्टा ही देना पड़ा और वो चिल्ला के फिर भुट्टा फेंक के ऋतु भागी। तो क्योंकि उसका इतना सिंह था, उसको क्या बोलते हैं, सिंह ही बोलते हैं। हाँ और मतलब आज तो पूरा यहाँ का जो गाय लोग है वो मंकी जैसा काम करते हैं पूरा एकदम। हाँ, जो पहले कभी भी ऐसे एक्सपीरियंस तो कभी नहीं हुआ था कि गाय भी ऐसे कर सकते हैं, मगर उतना मतलब चलो ठीक है। हाँ मतलब गुस्से वाला गाय नहीं था, आराम से आया, आराम से लिया और आराम से खाया। नहीं वो दौड़ रहा था, दौड़ के आया था। तुमको दौड़ के ही लग रहा है, वो हल्का से आया, तुम्हारे पास आ रहा था ना, तो वो FPS बढ़ गया था उसका। तो जो भी हो अभी हम लोग खाने का ऑर्डर दिए हैं, क्या ऑर्डर दिए हैं अभी हम लोग? ऑर्डर दिए प्रॉन्स मसाला जो आज की स्पेशल है यहाँ पे, और दिए है सुरमई फ्राई जो स्टार्टर में दिए है, और वो चिकन फ्राइड राइस। और प्रॉन्स मसाला जो है वो आज का यहाँ का स्पेशल आइटम में से, और सुरमई फ्राई भी स्पेशल है। तो अभी देखते हैं, आज ट्राई करते हैं। तो मैं भी द फूड लवर आप लोगों को बताऊंगी यहाँ का खाना कैसा है। चलो फूड ब्लॉग भी हो गया, चलते चलते।
कम है, इतना सा खाना मैं तो मैनेज करके खा लूंगा, मगर रितु क्या खाएगी? हम लोग दूसरे जगह भी खाते हैं, उससे तो बहुत कम है, मतलब प्राइस सेम है लेकिन क्वांटिटी बहुत कम है, ये प्लेट भर के आता है। तो ये वन पीस सुरमई फ्राई 245 रुपीस का, ये हाफ प्लेट प्रॉन मसाला 310 रुपए का, और ये चिकन फ्राइड राइस 210 रुपए का, मतलब टोटल चुना है, क्वांटिटी मतलब कम, एकदम कम। इसके साथ खाना खाने में मतलब पंगा हो जाता है, पंगा। वो भी फिश है इसलिए मैं थोड़ा आराम से खा रहा हूँ, चिकन होता तो पूरा एकदम हाय। इसके साथ कोई खाना खाने आता है तो अगर अलग अलग खाना नहीं लिया जाए तो दूसरे की किस्मत खराब। तो ये है एलिफेंटा पोर्ट रेस्टोरेंट का ओवरव्यू। तो ये रेस्टोरेंट छोड़ के आप सीरी से जो ऊपर जाते हो तो ऊपर एकदम उठ के बाएं तरफ पड़ेगा यहाँ का गार्डन, और अगर आप बाएं नहीं जाके सीधा जाते हो तो ये सीरी से उठ के सामने पड़ेगा केव और टिकट काउंटर केव में जाने का, और ये राइट साइड में पड़ेगा कैनन हिल का रास्ता। तो हम लोग यहाँ पे थे, मतलब वहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़े थे और वहाँ से आए और फिर हम लोग सीढ़ी चढ़े और फाइनली हम लोग यहाँ पे आए। ये है यहाँ का टिकट काउंटर। केव में जाने के लिए नॉर्मली हम लोग इंडियन के लिए है 40 रुपये करके, और अगर कोई फॉरेनर रहता है तो उसके लिए है 600 रुपये करके टिकट का प्राइस। इतने ऊपर यहाँ पे, मतलब ये आइलैंड पे ये 20 रुपए का कुल्फी मिल रहा है, मलाई कुल्फी वो भी, और ये अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि यहाँ पे सारी चीज का बहुत हाई प्राइस है। सिर्फ मलाई कुल्फी ठीक ठाक प्राइस में मिला 20 रुपए में। ठीक ठाक नहीं, ये मुंबई के हिसाब से सस्ता है। हाँ, और टेस्ट भी इसका अच्छा है। अभी पवित्र जाएगा मंकी को कुल्फी खिलाने, और मैं जब इस बंदर को कुल्फी खिला रहा था उस टाइम पे इसका पार्टनर रितु के तरफ भागा, और रितु भी भागे क्योंकि उसके पास जो कुल्फी था वो बहुत ज़्यादा था और उसको तब देना नहीं था। एलिफेंटा केव में आप फोटोग्राफी कर सकते हो मगर यहाँ पे वीडियो करना मना है, मगर फिर भी मैं यहाँ पे बहुत सारा वीडियो कर लिया था चोरी छुपके। और एलिफेंटा केव जो बनाया गया था वो लेके अभी बहुत तक बहुत डिबेट है कि कोई कोई बोलता है कि इंसान लोग नहीं बनाए हैं, भगवान लोग बनाए हैं, ऐसा डिबेट है, मतलब हम लोग विकीपीडिया में तो ऐसे ही पढ़े हैं,
और ये जो केव है ये 5th to 7th century के टाइम पे बनाया गया था, और जब पुर्तगाली लोग यहाँ पे राज करते थे तो तब ये जो केव है इनको वो लोग बहुत तोड़ दिए थे। हाँ, और यहाँ पे हिंदू पूजा होता था, स्पेशली शिव शंकर का पूजा यहाँ किया जाता था। और आप लोग पहले वाला जो केव है वहाँ पे देखो कि त्रिमूर्ति है, हाँ। और वहाँ पे अभी हम लोग सिक्योरिटी से बात किए तो सिक्योरिटी ने क्या बोला, अभी जो शिवरात्रि होता है यहाँ पे जो त्रिमूर्ति है और वहाँ पे जो शिवलिंग आप लोगों ने पहले ही देखा है, वहाँ पे शिवरात्रि में पूजा होता है, और ये पूजा के टाइम ये जो हम यहाँ पे जो केव है इधर जो टिकट रहता है नॉर्मली ये फ्री एंट्री होता है, एकदम फ्री, लेकिन पूजा के टाइम यहाँ पे 30,000 लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं और भगवान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं और पूजा होते हैं बहुत अच्छे से, और पैसा भी बहुत देते हैं लोग, तो फिर 3-4 लाख ऐसे पैसा मतलब वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, तो बोलते हैं कि ऐसे नॉर्मली जो टिकट का प्राइस करके जो दिन का मतलब कमाई होता है उससे भी उस दिन ज़्यादा होता है, तो आप लोग सोच सकते हो। वैसे नॉर्मली हम लोग जब शिवलिंग के वहाँ पे अंदर गए थे पता नहीं क्या था वो, लेकिन इतना अच्छा मतलब खुशबू था वहाँ पे, बहुत अच्छा खुशबू, और वहाँ पे कोई धूप भी जला हुआ नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो मुझे मतलब मैंने इसको मैंने ये खुशबू कहाँ से आ रहा है, मतलब बहुत अच्छा खुशबू था, बहुत अच्छा, पता नहीं वो कैसा खुशबू क्या था, मतलब वो शिवलिंग के ऊपर एक दो फूल चढ़ाए गए थे मगर लेकिन वो फूल, हाँ, वो फूल का इतना स्मेल नहीं आएगा, इतना खुशबू नहीं आएगा, कितना ज्यादा खुशबू था, और अच्छा लग रहा था कि एक भव्य जगह पे आ गए हैं, ऐसा लग रहा था कि हम लोग एक मंदिर पे हैं। तो अभी हम लोग दूसरे केव से तीसरे केव की तरफ आ गए, और ये आप देखोगे कि हम लोग के पीछे ये तीसरा केव है। तो केव नंबर 1 छोड़ के बाकी 4 केव में उतना सिक्योरिटी रहता नहीं है, क्योंकि मेन जो मूर्तियां हैं वो केव नंबर 1 में ही है, तो यहाँ पे वीडियो करने में उतना प्रॉब्लम नहीं आया, यहाँ पे वीडियो करो, फोटोग्राफी करो, कुछ भी करो, बिंदास करो। टाइम हो रहा है 5:30 और हम लोग यहाँ से लौट रहे हैं, और यहाँ का गार्डन घूमना हम लोगों का नहीं हुआ क्योंकि यहाँ के ऊपर पहुँचते पहुँचते ही हम लोगों का ये टाइम हो गया, और पहले पैर का हालत भी थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन जो भी है बहुत मज़ा आया, तो हम लोग जाते हैं, चलते हैं वहाँ पे। हाँ, ये 5वां केव देख के मुझे बैटमैन का याद आ गया, क्योंकि बैट केव कुछ ऐसा ही है। तो न्यू ईयर का ये ट्रिप हम लोग जितना सोचे थे खराब होगा उतना खराब हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग पहले आप लोग देखे हो कि ट्रिप के एकदम स्टार्टिंग में जब हम लोग नाव बोट के लिए लाइन दिए थे तब एकदम हालत ढीला हो गया था, और मगर लास्ट ऑफ ऑल जब हम लोग यहाँ पे आए तो उसके बाद एकदम ऋतु बहुत खुश हो गई, कि इससे पहले हम लोग वीडियो देख रहे थे कि कैसा है ये एरिया, उतना अच्छा नहीं लगा था, मगर लास्ट ऑफ ऑल ये अभी बहुत हम लोग को अच्छा लगा, और अभी तक बहुत कुछ घूमना बाकी था, जैसे एक गार्डन है यहाँ पे वो हम लोग घूम नहीं पाए, और वो गार्डन छोड़ के फिर और दो बौद्ध केव थे, बौद्ध गुआ थे, जो हम लोग जा नहीं पाए, शायद वो बंद है। हाँ, तो लास्ट ऑफ ऑल अभी बज रहे हैं 5:35 और 6 बजे लास्ट बोट है, अगर हम लोग ये बोट नहीं पकड़ पाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, तो हम लोग को यहाँ पे रहना पड़ेगा, मगर ऋतु का है कल ऑफिस, मेरा तो छुट्टी है, तो मेरा तो बल्ले बल्ले, और अच्छा लगा, चलो। तो फाइनली हम लोग का ये न्यू ईयर वाला ट्रिप हो जाता है यहाँ पे ख़त्म, तो हम लोग अभी चले बोट के तरफ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं अभी ढूंढ रहा हूँ रितु को जो बैल ने अटैक किया था उसे, और मिल गया है वो मुझे, यही वाला बैल था जिसने रितु को किया था अटैक, तो वो कोई गाय नहीं था, बैल था। और ये ट्रिप का सबसे बेस्ट पार्ट था रिटर्निंग, रात के टाइम समुंदर पे बोट के ऊपर राइडिंग करना, ऑसम एक्सपीरियंस,
और हम लोग एक्स्ट्रा 10 रुपये देख के ऊपर बैठे थे, तो मज़ा आ गया। तो मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक बाय।